जहाँ भी देखिए दोस्तों फूल ही फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से लेके गया मैं मोर पंखी के पौधे। अच्छा इचवीरिया है। इसका प्राइस इसका भी 20 रुपए। अच्छा इसका नाम क्या है? कार्नेशन। अच्छा कार्नेशन है। तो भाई साहब ये कौन सा पौधा है? ये गुड़ल। अच्छा गुड़ कमल बोलते हैं इसमें। अच्छा बरम कमल है। बरम कमल है। अच्छा अच्छा किक्टोमीरिया ये कटिंग वाला होता है। अच्छा नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों शाम के 1:30 बजे हैं और मैं हूं अभी KVK भरसार में, कृषि विज्ञान केंद्र भरसार में, और उनके फ्लोरिकल्चर नर्सरी में। यहां पे नाना प्रकार के फूलों की सुविधा के द्वारा ग्रो किए गए हैं। तो सीधा लेके चलते हैं आपको, जो यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का एक कल्चर बनाया हुआ है। ये हैं भाई साहब भोपाल जी। तो भोपाल जी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमराट कल्चर में। तो यहाँ पे जो ये नर्सरी स्थापित की गई है किनके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई है? ये फ्लोरिकल्चर है, ये है हमारा ममता बोरा है जी, वैसे है। अच्छा है। और वो है क्या बोलते हैं उसको, सिराजी है हमारे, ये वो फ्लोरिकल्चर में माली है। ठीक है। तो दोस्तों ये हैं भोपाल जी और यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं और ये विश्वविद्यालय के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र भरसार के द्वारा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का एक शानदार मॉडल स्थापित किया गया है। तो आइए भोपाल जी से बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से पौधे फ्लोरिकल्चर में लगाए हुए हैं। तो भाई साहब ये कौन सा पौधा है? किक्टोमीरिया है सर ये। अच्छा ये कटिंग द्वारा होता है। ये है फ्यूसिया, ये भी कटिंग द्वारा होता है। अच्छा ये किक्टोमीरिया है। ये किक्टोमीरिया है, वो फ्यूसिया है। ये है सीडियम है। ठीक है। ये है सप्टलेरा। कौन सा? ये वाला। अच्छा। ये सप्टलेरा है। ठीक है। ये है वो कहते हैं इसको, ये है इचवीरिया। अच्छा ये आगे वाला। आगे वाला ये वाला। ये वाला है क्या बोलते हैं, गोफ्रेना। अच्छा गोफ्रेना। अच्छा ठीक है। और ये है, ये है गेंदा। गेंदा। ये है एलिस्मेरिया। अच्छा ठीक है जी। और यहाँ पे, यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं इसको, क्यूपिया। अच्छा अच्छा वो भी फ्यूचर है, वो है जिरेनियम। अच्छा जिरेनियम कौन सा? जिरेनियम ये वाला जिरेनियम है। अच्छा ये जिरेनियम है। यूनियम। अच्छा ठीक है जी। ये है जिरेनियम। अच्छा ये है थूजा। अच्छा ये हाँ थूजा मोरपंखी। अच्छा मोरपंखी। मोरपंखी। अच्छा तो दोस्तों भाई जी ने नाना प्रकार के पौधों के यहाँ पे नाम गिनवाए, तो अब एक एक करके इनके रेट के बारे में पता करते हैं। तो भाई जी ये कौन सा बताया था आपने? मोरपंखी। मोरपंखी। तो इसका प्राइस क्या है? इसका 20 रुपए। अच्छा एक पौधे का। हाँ। अच्छा कितने साल में भी मैच्योर हो जाता है ये? मतलब साल भर में वो हो जाता है फिर इसका। अच्छा मोरपंखी। अच्छा अच्छा जी द्वारा होता है ये भी। अच्छा और इसका क्या है? 40 रुपए। अच्छा 40 रुपए। क्या बोलते हैं इसको? किक्टोमीरिया। अच्छा किक्टो मीरिया। अच्छा किक्टोमीरिया ये कटिंग द्वारा होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। फ्यूसिया। अच्छा ठीक है। हाँ जी ये है 40-30 रुपए का। अच्छा जी ठीक है ठीक है। ये है सीडियम। अच्छा ये सीडियम है। सीडियम है। इसका प्राइस? 20 रुपए। अच्छा 20 रुपए का। 20 रुपए जी जी। ये है सप्टलेरा। अच्छा कौन? ये वाला। अच्छा ये सप्टलेरा है। अच्छा इसका प्राइस? इसका भी 20 रुपए है। अच्छा है 30 रुपए। ये क्या है? ये है अमरेलिस। अमरेलिस। अच्छा ठीक है। फिर यह इचवीरिया। अच्छा इचवीरिया। इचवीरिया। इसका प्राइस? इसका भी 20 रुपए। अच्छा ये बरम कमल बोलते हैं इसको। है? अच्छा बरम कमल है। बरम कमल है। अच्छा बरम कमल। इसे बरम कमल बोलते हैं इसको। अच्छा और ये इसका तो कुछ रेट है, तो अभी बल्ब द्वारा इसको तो बेच रही है। अच्छा ये भी क्यूपिया, ये है 30 रुपए का। कौन सा? ये वो क्यूपिया। अच्छा क्यूपिया है 30 रुपए का। हाँ जी हाँ जी। और अभी अजेलिया ये भी 20, बाकी 20 रुपए प्रति प्लांट है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जितने भी पौधे हैं, हमें ज्यादातर पौधों का जो मूल्य है वो 20 रुपए है, सिर्फ किक्टोमीरिया को छोड़ करके। किक्टोमीरिया 40 रुपए का, बाकी सभी पौधों की यहाँ पे रेट 20 रुपए है। भाई साहब ये कौन सा पौधा है? ये गुड़हल। अच्छा गुड़हल का। अच्छा तो ये इसका प्राइस? 20 रुपए। इसको रात की रानी तो नहीं बोलते? नहीं रात की रानी तो दूसरी है। अच्छा ये गुड़हल है। गुड़हल है। ये क्या है? ये सिनेरिया है। अच्छा सिनेरिया। इसका प्राइस? इसका 20 रुपए। अच्छा 20 रुपए। अच्छा और यहाँ आगे ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये है कलालिन। ये सबसे बड़ा कोस है, ये 50 रुपए का एक बल्ब है। अच्छा एक बल्ब द्वारा होती है। अच्छा इसका 50 रुपए का है। अच्छा 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 अच्छा।
ये क्या है? हाइडिंजा बोलते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं? हाइडिंजा। हाइडिंजा प्राइस क्या है उसका? इसका है 25 रुपये। अच्छा 25 रुपये का है। अच्छा तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कितना सुंदर रेट विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। और अब लेके चलते हैं आपको दूसरे पोल हाउस के अंदर। यहाँ पे एक नई वैरायटी, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे नई वैरायटी इन्होंने एक डाली है। तो भाई जी आपने जो ये पोल हाउस में जो नई वैरायटी डाली है तो इसका नाम क्या है? कार्निसन। अच्छा कार्निसन है। कार्निसन है। अच्छा ये चार वैरायटी के हैं। अच्छा चार वैरायटी है। पहली वैरायटी बताइए। ये लाल है। अच्छा ये लाल है। ये लाल है जी। हाँ अभी इसको दिखाओ। ये थोड़ा सा गुलाबी कलर। गुलाबी कलर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब उसके बाद सफेद उधर है सर। अच्छा सफेद ही हो गया तीन। हाँ सफेद ये। हाँ और अच्छा एक वो पिंक कलर है। कहाँ पे? पिंक। ये नहीं है ये वाला। अच्छा ये पिंक कलर है। तो दोस्तों यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई पुष्प की प्रजाति पे काम किया गया है जिसका नाम है कार्निसन। और इसकी चार यहाँ पे आपको वैरायटियां मिलेंगे, चार किस्म, वो भी अलग अलग कलर। तो भाई साहब ये कौन सा फूल है? डहलिया। अच्छा डहलिया। अच्छा ये बीज द्वारा होता है। अच्छा बीज द्वारा है। द्वारा भी है, बीज द्वारा भी है। तो भाई साहब ये पुष्प की कौन सी प्रजाति है? ये जीनिया है। अच्छा जीनिया। जीनिया। अच्छा ये इसकी लाइफ कब तक है, कब तक चलता है ये फूल? ये 2-4 महीने चलता है। अच्छा जीनिया। जहाँ भी देखिए दोस्तों फूल ही फूल आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा फ्लोरिकल्चर स्थापित किया गया है। और फूल लगाने का शौक हर इंसान को होता है, तो हमें अपने वातावरण में अपने घरों में पुष्प लगानी चाहिए जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खुद के अंदर और घर के चारों तरफ बनता है। वैसा भी कौन सी प्रजाति है गेंदे की? ये बड़ा वाला गेंदा है। अच्छा अच्छा तो इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है अभी तो किलो के हिसाब से जाता है। अच्छा अगर कोई पौधा लेना चाहे तो? पौधा लेना चाहे तो 5 रुपये का ही। अच्छा 5 रुपये का एक पौधा है। ठीक है। तो आज मैं यहाँ से लेके जाऊँगा दो मोरपंखी के पौधे, वो भी एक सुराई की एक प्रजाति है मोरपंखी। तो आज मैं लेके जाऊँगा मोरपंखी और अपने घर के आगे जो जगह है वहाँ पे दो मोरपंखी के पौधे लगाऊँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से लेके गया दो मोरपंखी के पौधे। वैसे आपका थी नहीं कि 40 रुपये? 40 रुपये। ठीक है अभी दी। तो यहाँ से लेके गया मैं मोरपंखी के पौधे। मोरपंखी एक फ्लोरिकल्चर का पौधा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।